धनावता गांव में पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों में भय का माहौल। उदयपुरवाटी कस्बे के निकटवर्ती धनावता गांव में शुक्रवार की देर रात को देखे गए पैंथर से ग्रामीणों में भय का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि एक गाय के बछड़े को पैंथर ने अपना शिकार बना लिया। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि कई बार बकरियों को भी शिकार बना चुका है, जिससे ग्रामीणों में अब पैंथर देखने के बाद भय का माहौल बना हुआ है। वहीं एक लड़की पहाड़ी में शौच करने गई थी, पैंथर को अपनी आंखों से देखा और घर पर आकर बताया, जिसके बाद पैंथर मौके से गायब हो गया। स्थानीय ग्रामीण मदन लाल गुज्जर सुरेश गुज्जर ने बताया कि पैंथर मवेशियों का गर्दन के पास से शिकार कर उनका खून पीकर छोड़ देता है। पिछले 3-4 दिन से धनावता गांव में पैंथर से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। पैंथर की सूचना पर वन विभाग की टीम शनिवार को धनावता गांव में पहुंची, जिसमें फॉरेस्ट पवन सिंह गार्ड सुल्तान सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के बताए अनुसार मौके पर पैंथर के पैरों के निशान देखे। कई बार छोटे पैरों के चिन्हों के निशान भी देखने को मिले। भूख प्यास के मारे पैंथर नीचे आ गया। फिलहाल इसकी निगरानी की जा रही है। ग्रामीणों को सावधान रहने के लिए निर्देशित किया गया है। 3-4 दिन से पैंथर के द्वारा मवेशियों पर किए जा रहे शिकार से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पैंथर को यहां से पकड़कर कहीं बाहर पहाड़ी क्षेत्र में छोड़ा जाए, जिससे स्थानीय पशुपालकों के मवेशी पैंथर के शिकार न हो। मगाज का कर्मचारी वगैरह में नियंत्रण गश्त वगैरह करा और जंगली जानवर है वो जिनकी कई बार तलाश नहीं हुआ है, तो वो अमूमन बस्ती के माए आ जाए, लेकिन ज्यादा चांस को नहीं आवा का। हम लोग पानी की व्यवस्था वगैरह ऊपर कर रहे हैं, कई बार एक दो बार हो जाता है, ये है समस्या। और उसकी तो प्रशासन की होगी, लेकिन ये जैसे ग्रामीण वगैरह है वो अपने इतला दे टाइम पे, जैसे मान लो अभी यहाँ घटना घटी है तो इन्होंने फोन वगैरह किया था, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे पश्चिम देखे हैं, कल मैं वहाँ उधर गया था आगे जेतपुरा की साइड में, वहाँ पश्चिम देखे, तो ये अपन कन्फर्म नहीं कर सकते भाई वो जानवर यही है, जंगली जानवर वो तो घूमता रहे। अब क्या कर रही है वन विभाग की टीम? वो बस निरंतर यही है भाई, मॉनिटरिंग करे कहाँ है कैसे है, जैसे कहीं सूचना मिलती है कि वहाँ हमने पश्चिम देखे हैं तो हम वहाँ जाते हैं, उनके पश्चिम से पता चलते हैं भाई ये किधर गया है, उस हिसाब से हम उन गांव वालों को समझाते हैं भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखें, उसे पत्थर वगैरह ना मारे, अपने मवेशियों की खुद सुरक्षा करें थोड़ी बहुत ही भाई। लोगों को यही है जैसे पहाड़ी क्षेत्र के नज़दीक जो निवास करते हैं उनको मेरी तो यही है कि एक तो कम से कम अपने घर के चारों तरफ रोशनी रखें और थोड़ा बहुत खुद की सेफ्टी भी रखे, अगर बाई दो जंगली जानवर आ भी जाए तो उसमें पत्थर वगैरह डांग से ऐसा कुछ नहीं करें। ये रोशनी में आता नहीं है, ये शर्मिला जानवर होता है, तो ये रोशनी में लगभग 99% नहीं आएगा,